हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा एंड मैंने देख ली है वो मूवी जिसके बारे में मेरे को एक्चुअली बहुत वेट था एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत वेट होगा। सो क्रू मैंने देख ली है एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि मुझे वो कैसी लगी। तो इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है तीन एयर होस्टेसेस से जो काम करती हैं कोहिनूर एयरलाइंस के साथ। इनकी एयरलाइंस पूरी बैंकरप्ट है एंड 6 महीने से लोगों को सैलरीज नहीं मिली है। वन फाइन डे इनको पता लगता है कि इनकी एयरलाइंस के थ्रू गोल्ड स्मगल किया जाता है एंड ऑब्वियसली तबू, करीना और कृति तीनों ये मौका कैसे छोड़ सकते हैं। नाउ दे वांट दैट स्मगल गोल्ड फॉर देमसेल्व्स एंड फिर उसको कैसे हासिल किया जाए ये लोग उसके प्रोसेस में लग जाते हैं। इस मूवी में कृतिका लव इंटरेस्ट प्ले किया है दिलजीत दोसांझ ने, जो कि एक कस्टम्स ऑफिसर भी है, एंड तबू के हस्बैंड का रोल प्ले किया है कपिल शर्मा ने। ऑनेस्टली बताऊं तो दोनों के कैरेक्टर्स काफी छोटे हैं। आई अंडरस्टैंड कि कैमियो कैरेक्टर्स हैं लेकिन मुझे काफी अंडर यूटिलाइज लगे दोनों। आई मीन आई वुड हैव लव्ड टू सी दिलजीत एंड कपिल बोथ अ लिटिल मोर। थ्रू आउट द मूवी जो तबू मैम और करीना का ऐसे फनी और लेग पुलिंग वाला बैंटर चलता रहता है ना, दैट्स अमेजिंग टू सी। आई थिंक इट्स मेजरली बिकॉज ये दोनों सेम एज ग्रुप के एंड कृति इज अ लिटिल यंगर, मतलब ऑब्वियसली नीडलेस टू से रियल लाइफ में भी ऐसा ही है, बट या दैट वो कैरेक्टर्स में बहुत विविडली दिखता है। कृति इज डन अ गुड जॉब इररिलेवेंट ऑफ ऑल द मूवीज, ऑल द स्टूपिड मूवीज शी इज डन बिफोर, उसके हिसाब से इसमें उसका कैरेक्टर बहुत बेटर है एंड शी इज डन जस्टिस टू इट, बट आई स्टिल रियली क्वेश्चन हर चॉइस ऑफ मूवीज। आई होप टाइम के साथ इट रियली गेट्स बेटर। करीना का कैरेक्टर लुक्स फैब इन द मूवी एंड और कुछ हो या ना हो पूरी मूवी में अगर करीना कपूर खान है ना तो सॉलिड ग्लैमर तो होगा। शी इज लुक्ड एब्सोल्युटली वाओ इन द फिल्म। एंड इन तीनों लेडीज में से ना करीना का कैरेक्टर काफी ज्यादा बोल्ड और फ्लैम्बॉयंट दिखाया है एंड ट्रूली उन्होंने ये कैरेक्टर काफी कन्विंसिंगली प्ले किया है। फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी आपको काफी एंटरटेनिंग रहेगा, पूरा प्लॉट बिल्डअप एंड एवरीथिंग, लेकिन सेकंड हाफ काफी स्ट्रेच्ड है एंड स्क्रीन प्ले भी काफी ज्यादा एवरेज है। द फिल्म इज सपोज टू बी अ ड्रामा एंड कॉमेडी का मिक्सचर, सो ड्रामा तो आपको हेयर एंड देयर कहीं कोई ना कोई सीन्स में दिख जाएगा, बट जो कॉमिक डायलॉग्स है वो मेजरली तबू मैम को दिए हैं एंड करीना जस्ट प्लेज अलॉन्ग विद इट। डर लग रहा है यार, सोना कितना सोना है। टू बी ऑनेस्ट कृति का ज्यादा इनपुट इसमें कुछ था नहीं। इसके अलावा जोक्स काफी हैं मूवी में लेकिन ज्यादातर उसमें से लेम है और कुछ तो लैंड ही नहीं हुए। मेरे को ऐसा लग रहा था कि सारा का सारा बजट ना इन्होंने स्टार कास्ट, क्लोजेट और गानों पर लगा दिया है, इसीलिए इट फील्स कि राइटर से इन्होंने ना फ्री में काम कराया है। दैट इज वाई द प्लॉट इज सो बैड। काफी अनरियलिस्टिक और लेम चीजें दिखाई है एंड उन लेम चीजों के एग्जीक्यूशन में और ज्यादा लेम चीजें दिखाई है। अगर आप मूवी देखोगे तो आपको पक्का समझ आ जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। देखो, एक तो वैसे फीमेल लीड वाली मूवीज बहुत कम आती हैं तो ऑब्वियसली मेरी एक्सपेक्टेशंस इससे काफी ज्यादा थी, बट एटलीस्ट एक चीज इन्होंने बहुत अच्छी की कि फीमेल कास्ट की वजह से ऐसा कोई जबरदस्ती का एजेंडा या फीमेल एम्पावरमेंट या ये सब कुछ नहीं दिखाया। गीता, दिव्या और जैस्मिन ये तीनों के तीनों अपने कैरेक्टर्स में इतनी परफेक्ट लगी है कि मैं आपको क्या बताऊं, मतलब इतना कन्विंसिंगली इन्होंने अपने रोल्स किए हैं ना, इट वॉज जस्ट फ्लॉलेस टू वॉच। कृति स्पेसिफिकली बिकॉज शी वॉज वर्किंग विद दीज टू रियली बिग स्टार्स, बट शी स्टिल मैनेज टू लीव अ मार्क। 2 घंटे की मूवी है तो आई वुड नॉट से कि ये स्लो है कहीं से भी। अनपॉपुलर ओपिनियन और मे बी वेरी पॉपुलर ओपिनियन, तब्बू मैम और करीना की जो केमिस्ट्री है ना इस मूवी में, दैट्स जस्ट फैब, इट्स जस्ट टुमेश्वरी, इट्स वाओ। ऑल इन ऑल थोड़ा सा कैमरा वर्क मुझे कहीं कहीं पे बहुत अंडरवेलमिंग लगा, लेकिन बाकी की प्रोडक्शन ठीक है। एंड आते आते मेरा डिसीजन बन गया था आई एम आउट। टू बी ऑनेस्ट इन्होंने तीनों इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस, दिलजीत, कपिल शर्मा, मतलब इनके पास ओशन था टैलेंट का, वो इन्होंने इतना अंडर यूटिलाइज किया है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आई ऑनेस्टली कांट कंप्लेन एनी लेसर। ऑल्सो आई डोंट नो, आप में से अगर किसी ने देखी हो या देखने वाले हो तो उसके बाद मुझे कॉमेंट्स में बताना। मेरे को ना ये वाली मूवी देखते हुए भी बड़ी वीरे दी वेडिंग वाली वाइब आ रही थी एंड आई थिंक इट वॉज प्रीटी जस्टिफाइड ऑल्सो, क्योंकि इट वॉज अ प्रोडक्शन ऑफ बालाजी टेलीफिल्म्स जो कि एकता कपूर है एंड अनिल कपूर एंटरटेनमेंट्स जो कि रिया कपूर ने को प्रोड्यूस किया है। सो आई थिंक मे बी रिया डज दैट टू हर फिल्म्स, आई डोंट नो, बट देयर वॉज दिस वाइब जिसकी वजह से इट फेल्ट वेरी फेमिलियर। सॉन्ग्स आर प्रीटी गुड एंड आई कैन हार्डली रिमेंबर एनी मूवीज जिसमें करीना कपूर हो और गाने अच्छे ना हो, एंड सेम वेज जिसमें दिलजीत दोसांझ और गाने अच्छे ना हो। सो ये दो फैक्टर्स है तो मतलब मूवी में गाने तो अच्छे होंगे। घाघरा और चोली के पीछे भाई क्या मास्टरपीसेस है 90s के, एंड ये जो उन्होंने दोबारा से ऐसे बनाए ना, एंड ईरा अरुण, ओ माई गॉड, शी जस्ट हिट्स दैट नर्व। जरूर ये गाने रीमेक्स हैं लेकिन दैट फील, वो जो 90s वाली फील थी, आई कैन स्टिल फील इट। Although आई वुड स्टिल से कि बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे कई जगह बहुत ज्यादा वेग लगा, सो या मतलब वो सीन से मैच नहीं कर रहा था या वाइब से मैच नहीं कर रहा था, बट द सॉन्ग्स आई लव देम। मैंने इस मूवी का बहुत टाइम से वेट किया था, मतलब जब से अनाउंस हुई थी मैंने इसका पोस्टर देखा था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर इट। बट क्या इस मूवी ने मेरी एक्सपेक्टेशंस को मैच किया? अभी इतने प्रमोशंस किए इन लोगों ने, इनफैक्ट अभी एक दो दिन पहले लाइव भी आए थे दिलजीत, रिया, करीना और कृति। सो आई वॉज वंडरिंग कि रिया इसमें क्या कर रही है, बट देन आई रियलाइज कि ओके शी इज द को प्रोड्यूसर
of the film. So yeah, it was a newer promotion tactic, लेकिन उसके बाद ही box office पे कोई बहुत बड़ा number तो अभी तक ये नहीं collect कर पाए हैं. But फिर भी I would say कि ये one time watch है, एक बहुत ही light entertainer movie है. Story से ज़्यादा उम्मीदें मत रखना, funny भी कहीं कहीं पे है I would still say. आप अपने favorite actor के लिए ज़रूर जाके देख सकते हो, like अगर दिलजीत के fan हो, या करीना के fan हो, या तब्बू हम के fan हो, या कृति के fan हो, तो आप definitely जाके ये movie देख सकते हो. Also एक दो जगह थोड़ी सी गाली और थोड़े abrupt one-liners हैं, तो मेरी तरफ से I would still say कि family के साथ मत ही जाओ तो अच्छा रहेगा, बाकी भाई तुम्हारी मर्जी है. I would give it 3 stars on 5. आप लोग देखो तो जरूर कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी. Next I'm going to start Splitsvilla reviews for the season. उसके अलावा if you want me to review anything, please let me know in the comments. And जाते जाते please subscribe कर देना चैनल को and follow me on Instagram. जल्दी से मिलेंगे अगले वीडियो में. Bye.